चलो बच्चों, आज हम सब जीरो यानी शून्य के बारे में जानेंगे। आज गैफी बहुत खुश है क्योंकि आज गैफी के दोस्त उससे मिलने घर आने वाले हैं। गैफी की माँ ने गैफी के दोस्तों के लिए लड्डू बनाए हैं। गैफी से मिलने सनी, रानी, अप्पू, बबलू और जोई आए हैं। गैफी के पास एक प्लेट में कुल 5 लड्डू हैं। उसने एक लड्डू सनी को दिया और उसके बाद एक और लड्डू रानी को दे दिया। अब बच्चों, उसके पास कितने लड्डू बचे हैं? 3, बिल्कुल ठीक। फिर उसने अप्पू को एक लड्डू दिया और अब उसके पास 2 लड्डू बचे हैं। अब उसने बबलू को एक लड्डू दिया। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं गैफी की प्लेट में अब कुल कितने लड्डू हैं? बिल्कुल ठीक, उसके पास अब केवल 1 लड्डू बचा है। गैफी ने आखिरी लड्डू जोई को दे दिया और अब उसके पास 1 भी लड्डू नहीं है। उसकी प्लेट बिल्कुल खाली है। इसका मतलब है कि उसके पास 0 लड्डू बचे हैं, क्योंकि 0 का मतलब कुछ भी नहीं है। बच्चों, 0 लिखना बहुत आसान है। बस एक बड़ा अंडाकार बनाएं और ये बन गया 0। बच्चों, अब आपकी बारी है। यहाँ एक डब्बे में कुछ सिक्के हैं। क्या आप पहचान सकते हैं कि किस डब्बे में 0 सिक्के हैं? इसका उत्तर ढूंढें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ अपना उत्तर साझा करें। बच्चों, इस वीडियो में हमने 0 के बारे में सीखा।